बने यहाँ पे जाके ना अंदाज मूर्ति मौर्य। हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। एंड आज का व्लॉग ऐसे ही टाइम पास अपडेट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिम, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप महीने भर नहीं खाओ तो आप एकदम स्लिम ट्रिम लगते हो, पर एक दिन अगर गलती से थोड़ा कुछ मीठा खा लो या ज़्यादा खा लो तो अगले दिन थोड़ा ब्लोटेड फील होने लगता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, पता नहीं। और अगर रात को कुछ खा लिया ना गलती से हैवी, तो सुबह एकदम सूजा हुआ मुँह लगता है। बाकी एक खुशखबरी है, द सरप्राइज है एंड द गुड न्यूज़ है कि अपना, और बाकी जो बोल रहा था कि फैट लॉस जर्नी, भाई आप कितने पतले हो गए। भाई इतना मेहनत लगाया ना, मैं क्या बोलूँ, 3 महीने तक कुछ बाहर का नहीं खाया था। अब उस पर डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा कब क्या, बट बेस्ट एडवाइस आपको यही दूंगा कि आप अपनी बॉडी को समझो और जानो कि आपकी बॉडी को क्या अच्छा लगता है एंड उसको क्या सूट करता है। तो बेस्ट वे अगर फैट लॉस करना है आपको तो बेस्ट। और सबसे बेस्ट क्या होता है पता, कि पहले मेरा वार्म अप ऐसे स्ट्रेचिंग वगैरह होता था, अब मैंने एक चेंज कर दिया है कि वार्म अप में मैं 100 पुशअप्स और एटलीस्ट 20 पुलअप मार के ये अपना वार्म अप रोज़ रख रहा हूँ पिछले 1 महीने से। तो उससे काफ़ी फ़र्क तो पड़ा है वैसे, ट्रस्ट मी। मतलब वो जितना भी वेट उठा लो तुम, बट जो बॉडी वेट उठा के जो स्ट्रेंथ बनता है ना नेचुरल, वो कुछ अलग ही है। चलो बाकी वर्कआउट करते हैं अपन और फिर आगे का वीडियो लेट्स सी द क्या होता है। चलो। तो भाई जो लोग बोलते हैं ना कि डेली व्लॉग करना वगैरह चालू करो, तो ऐसे सब वीडियो जो आए रेगुलर अपडेट के उसको थोड़ा लाइक करोगे, एक एक कमेंट छोड़ के जाओगे एंड तो ही मैं डेली व्लॉग का सोचूंगा ना। तो ऐसे वीडियो को भी प्यार किया करो और एक कमेंट छोड़ के जाओ, क्या बोलते हैं। अभी अपन मारते थे पुल अप तक। गाइज अभी हम आए थे इन ऑर्बिट में शूट करने के लिए, थोड़े रील वील शूट किए, यूट्यूब व्लॉग शूट करने का थोड़ा प्लान था। बट द पॉइंट इज ना कि उन्होंने हमको देख लिया शूट करते हैं तो बोलते शूट नहीं करना है। एंड यार आप लोग को एक खुशखबरी देना है मेरे को कि मेरा नहीं आ रही है, कौन बाइक आ रही है नहीं, मैंने बुक कर ली ऑलरेडी। अपने को इतना सस्पेंस वगैरह का क्रिएट करने का आदत है नहीं, तो 2-4 दिन में आ जाएगी सीधा। तो ये खुशखबरी है, पर ये इसके वजह से ना बेचारी बहुत नाराज़ है। मतलब ये भाई कैसे है ना, इसने मेरा इतना साथ दिया ना इतने सालों से, यार मैं इसको चेंज नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, अब थोड़ी पुरानी हो गई ना, अब एक जाएगी तो ही तो दूसरी आएगी। बेचारी को जब से मैंने बेचने का बात किया ना, इसको बहुत बुरा लग रहा है, तो जगह जगह पे जाके बंद पड़ जा रही है। अभी मैं कल टेनिस खेलने गया तो वहाँ भी बंद पड़ गई, अभी हम लोग यहाँ पे आए थे यहाँ फिर बंद पड़ गई, चल ही नहीं रही है बेचारी। तो अपना डिलीवरी का वीडियो देखना एंड वीडियोस वगैरह पे कमेंट वगैरह छोड़ के जाओ, यार क्या कर रहे हो। बस यही खुशखबरी देना था आपको। ओह चालू हो गई, नहीं यार आवाज़ तो आया मेरे को बट चालू हुआ नहीं। यार किसी को बाइक चाहिए तो बताओ मेरे को, खरीदना है किसी को तो। यार नहीं यार आपस में मतलब बेचने वाली चीज़ें जितना दूर बेचो ना उतना ज़्यादा अच्छा है, वरना लोग सर पे चढ़ के आते हैं कि भाई आपने मेरे को, फिर आप ही बोलोगे भाई अपने बाइक दिए। अब मेरे को पता नहीं है ना कैसे चल रहे हैं, मतलब मैं अगर एकदम कम्प्लीटली सही होती मेरे लिए, मेरा मेन रीज़न वो उसकी लॉन्ग टूर के लिए जाना, अभी ये नहीं जा सकती, बट ये लोकल के लिए सही है यार। ये यामा का इंजन ना बहुत सही है, और इतने सालों में ना इसने मेरे को एक बार नहीं दो बार गिराया है सिर्फ, बट वो भी कोई मेजर नहीं, 10-20 के स्पीड में गिरा हूँ, जस्ट बिकॉज इसमें ABS नहीं है तो गाड़ी पूरा घूम जाता है। बट आई विल मिस यू, मेरी बाइक। सबसे खतरनाक चीज़ इसका क्या है पता है, कि मेरे को पिछले साल से, मतलब पिछले 6 महीने से मैं सोच रहा हूँ कि इसको चेंज करने का, तो मैंने तब से ना इंश्योरेंस कराया ना PUC कराया, कुछ नहीं, ऐसी चल रही थी। पर बेचारी को बुरा तो लगा है भाई, इतने सालों का साथ छोड़ा है तो बुरा लगना बनता भी है। ये अभी चेंज होने वाली है बस आपको बता रहा हूँ, और 2024 लगता है मेरा एक्सचेंज ऑफर का ईयर है कि मतलब कैमरा गर्ल को छोड़ के कैमरा मैन आया ये बाइक को छोड़ के दूसरी बाइक आ रही है, और मेरे को GoPro का हालत देख के लग रहा है इसको भी निकालना पड़ेगा मेरे को। 2024 को ऐसे ही रखने देते, सब पुरानी चीज़ें फेंकते और नई चीज़ें निकालते। बहुत एक्साइटेड हूँ बाइक के लिए, अब कौन सी बाइक आ रही है। चलो अगर आप लोग जो कमेंट में गेस कर देगा ना कि मैं कौन सी बाइक खरीद सकता हूँ या कौन सी बाइक खरीद रहा हूँ, तो पहला बाइक लेके उसके पास आऊँगा मैं मिलने के लिए। अभी आप लोग बहुत बोलते हैं ना प्रमोद भाई आपसे मिलना है। गेस करो कमेंट में, बताओ मैं कौन सा बाइक ले सकता हूँ, ले रहा हूँ।
ले सकता हूँ अलग हो जाता है ना, क्योंकि ऐसा लगेगा कि अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बुक कर दिया है। तो बताओ, कमेंट करो अगर आपका जवाब सही हुआ, तुक्के से अगर सही आ गया ना तो बाइक लेके आपके पास आऊँगा मिलने। तो गाइज मेरे को ना ये संसार का नियम कुछ समझ में नहीं आता है। एक तरफ हम एनवायरनमेंट बचाने की बातें करते, पेड़ों को बचाओ ये वो, ऊपर से ये देखो ये अमेजोन का पार्सल है। मैंने क्या मंगाया पता है, लास्ट वीडियो एक बार मैंने अमेजोन का दिखा था, इतना बड़ा डब्बा भेजा था मेरे को, और उसमें क्या भेजा था पता है, एक बैडमिंटन का रैकेट। ये लोग ये डब्बा इतना क्यों वेस्ट करते है भाई, क्यों इतना पेपर वेस्ट नहीं होता है क्या? ये डब्बे के अंदर क्या है पता है आपको? ये देखो, ये इतना से के लिए इतना बड़ा डब्बा, क्यों यहाँ पर वेस्टेज नहीं दिखाई देता इनको? बड़ी बड़ी बात है, वड़ा पाव खाते हैं। बट द पॉइंट इज कि अभी हमने मंगाया है, दिस इज दी, मतलब ये मैं पहले यूज़ करता था, बीच में मेरे पास नहीं था, बट अभी अपन ने बोला कि बाइक नया ले रहे तो अभी एयरपोर्ट तो बाइक पे यूज़ कर नहीं सकते अपन, तो हमने मंगाया है द मीवी का कॉलर 1। याद रखना मीवी 2 का मैंने रिव्यू दिया था कि एकदम सड़ेला थर्ड क्लास है ब्रो। अगर आपको बाइक पे, स्पेशली अगर बाइक पे आपको यूज़ करना है ना, तो मीवी का कॉलर 1 इज द बेस्ट चीज। ये मैं पहले यूज़ करता था भाई, सबसे अच्छा ना इसका। चलो अभी अनबॉक्सिंग करते फिर बता। टेप लगा हुआ है क्या इस पर? ये देखो, ये नेकलेस जैसा आता है अपना, एंड इसको यहाँ से निकालोगे आप तो ये निकलेगा था बाहर, निकल जाए भाई। ये बेस्ट जैसे नेकलेस जैसा आता है, इसको ऐसे डाल लो और जब आपको कॉल आता है तो यहाँ पे वाइब्रेशन होते हैं। एंड इसका सबसे बेस्ट चीज़ क्या पता, अगर तुम बाइक में जाओगे ना तो बाइक वाला का सामने जो तुमसे बात कर रहा है ना, उसको जो क्वालिटी आती है ना वो बेस्ट आती है, क्योंकि ये पीछे का बैकग्राउंड वगैरह का सब कुछ निकाल देता है। तो दिस इज़ दी बेस्ट प्रोडक्ट अपना बाइक के लिए, मीवी कॉलर 1 याद रखना। और सही है, अगर ये जब कॉल आता है तुमको बुर 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 ये वाइब्रेट होता है, कंफर्टेबल होता है, और बेस्ट है कि इसके बर्ड्स है ना ये इसके अंदर आ जाते हैं। तो बाकी वो जो 2 वगैरह है उसमें लटकते रहते हैं, और वॉइस क्वालिटी तो उसका एकदम सड़ेला है। तो दिस इज अपना आ गया है, बस अभी बाइक आना बचा है। चलो बस यही बता रहा था, बट यार ये अमेजन वाले क्यों इतना वेस्टेज भाई? ये मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ इसीलिए इतना सब कुछ पता है मेरे को। मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो आप, मेरे गले में होता है, गले में था ये। ये देखो यहाँ पर इसका ये चार्जिंग पोर्ट यहाँ सर है, चार्ज यहाँ पर होता है, ये इसका रिसीविंग का बटन होता है, वॉल्यूम का बटन, अप डाउन ये साइड होता है। देखो गाइस आजकल सबसे बढ़िया यही हो गया कि अपने अपने एरिया में सब विसर्जन के लिए आर्टिफिशियल पॉन्ड बना दिए, तो वाओ। भाई मेरे को भी मतलब गणपति का टाइम पे अगर तुमको ज्यादा भूख भूख लगा है तो कहीं भी चले जाओ, खाना वाना फ्री हो जाता है अपना। आप सोचते हो मैं जब मैं कोई प्लानिंग के साथ नहीं आया, नहीं मैं इसे नीचे भटक रहा था तो मेरे को दिखेगी इतने सारे विसर्जन हो रहे हैं, तो मैं फटाफट जाके माइक लेके आ गया। ऐसे ही चलो कुछ तो दिखाते हैं ना, वरना ये वीडियो ऐसे ही रहने वाला था। फिर मेरे को तो आपको खाली बताना था कि मेरा बाइक आने वाला है। ये देखो भाई, गणपति बाप्पा मोरिया। अरे ये सब देख के ऐसा लगता है कि अपने घर पे भी गणपति आना चाहिए, बट यार बहुत सर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है भाई। अगले साल देखेंगे पक्का। जय देव जय देव जय श्री मंगल मूर्ति कामना पूर्ति, जय देव जय देव। यार पहले बचपन में ऐसे होता था कुछ नहीं आता था, तो आप भी वही इंसान हो क्या जो सबसे ज्यादा लाउड होता था जय देव जय देव? यहाँ पर सब आरती आरती करके, ये देखो कल आना, कल शादी में गणपति है, कल और मजा आएगा कल। हाँ देखो लगा आज है, अच्छे दिन का है ठीक है, 7 दिन का है, और भीड़ रहेगा और मजा आएगा, बड़े बड़े मूर्ति। हाँ इधर भी सब 4 फुट। हाँ देखता हूँ कल, आ जाओ कल। ठीक है थैंक यू। आपका गणपति कौन सा है? मेरा नहीं, हम लोग यहाँ पे आयोजित है। अच्छा आयोजित है, ओहो डुबाने मिलेगा क्या मेरे को? नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता ना विसर्जन। ठीक है
मैं बोला अभी इधर का कोई मिल रहा है ऑफिशियल तो लगा तो पूछ ही लेता ना कि अपने को भी डाइव मारने मिलेगा क्या। ये देखो भाई मजे है इनके, सबका पूजा चल रहा है अभी, कोई तो गणपति आओ हर एकदम बैंड बैंड बज रहा जाएगा थोड़ा। मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। यार वहां पर गणपति विसर्जन का अभी आरती वारती हो रहा है तो मेरे को इधर बैंड सुनाई दिया था, मैंने बोला इधर भी देख लेते क्या सीन है भाई। सामने दिख रहा है भाई, उड़ा मत देना मेरे को। अच्छा आज सिक्स डे है, ओके मेरे को लगा था आज सेवेंथ डे है। वाह वाह वाह। यहाँ पे जाके यार लेडीज लोग है, कहता लेडीज लोग है वरना मैं भी घुस जाता बीच में, अभी अच्छा नहीं लगता ना इसका फैमिली टाइम चल रहा है। और लड़के लोग होते तो अपना चलता है यार, थोड़ा सोचना पड़ता है वरना। और कोई बैंड है क्या कहीं? देखो भाई जो भी बोल रहे ना कि लाइफ में इतना स्ट्रेस नहीं ले देगा भाई, लाइफ में एंजॉय करो, घर से निकलो किसी के साथ भी जाओ एंजॉय करके आओ। इतना सोचते रहोगे तो भाई जिंदगी कुछ ही दिन की मेहमान है, यू नेवर नो कब क्या हो जाएगा। और ये आज भी नहीं सुधर रहे देखो, पड़ गया फाइन। क्या यार आज के दिन तो माफ करा भाई। चलो अभी आपको फटाफट दिखाते हैं तो विसर्जन का और फिर निकलते हैं घर। आई एम थोड़ा सा लेट लगता है। देखो भाई तो स्विमिंग कर रहा है उधर, मत चलो भाई बजरप्पा मंगल मूर्ति मोरिया वर्षी लौकरिया। चलो भाई मोरिया यार। चलो दिस विसर्जन इज स्टिल बेटर, ताकि अपने एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं हो रहा ना भाई। अब बोलो क्या बोलो, बोलो ना, अभी तो बोला गणपति बप्पा मंगल मूर्ति अगले बरस जल्दी आ। हाँ तो मैं बोल रहा था दिस इज स्टिल बेटर। हाँ बोलो बोलो ना, कुछ बोल नहीं रहा। अरे मेरे को बोलता कुछ बोल रहा है, बोला। हाँ तो गाइस ये बोल रहा था कि सबसे बेस्ट होता है अपना था इको फ्रेंडली गणपति लाओ और एनवायरनमेंट को थोड़ा कम नुकसान करो, बट स्टिल दिस इज बेटर बिकॉज अपना ऐसा सीन होता है ना कि जो अपन सी में डालते हैं ना वो अगले दिन विसर्जन के आपको पता है कि क्या हालत होता है। बट ये फिर भी ठीक है, इधर से कम तो साफ तो कर सकते हैं। हमारे बिल्डिंग में मैंने देखा कि एक चीज अच्छा किया था बस, तो छोटू सा इको फ्रेंडली गणपति लाए थे वहां पर एक छोटा सा पॉन्ड बनाया हमने तो बिल्डिंग में डाल दिया। तो प्लीज श्रद्धा वगैरह अपनी जगह एंड थोड़ा एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखो, अगली बार के लिए मैं आपको ये सीख दे रहा हूँ। तो चलो अभी खत्म करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो मजा आया होगा एंड प्लीज गणपति को अच्छे से एंजॉय करो एंड प्लीज सेफ रहो और अपने आजू बाजू वालों को भी सेफ रखो, ताकि ऐसी हरकतें मत करो जिससे आपको एंड द एनवायरनमेंट को एंड द लोगों को डिस्टर्ब हो एंड परेशानी हो। चलो अभी इसको खत्म करते हैं, बाकी अपना नया बाइक मिलेगा नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली बाइक का ही होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा एंड अगर मजा आया तो पता है अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल
प्रमोद रावत, याद है ना भाई? कमेंट छोड़ के जाओ ना। और अब तो बाइक आ गया है तो अपना सफर अभी लंबे लंबे होने वाले हैं। चले क्या, चलो 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 चलो।